नमस्कार। आज मिथुन राशि की बात करेंगे। अक्टूबर से अप्रैल 2023 तक आपके लिए बहुत अपार धन संपदा का लाभ, अच्छे अच्छे अवसर, उच्च पद की संभावनाएं बन रही हैं। धैर्य से इस वीडियो को सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने, तभी आपको लाभ होगा। मुख्य बात यह है कि आपकी कुंडली में, गोचर में, केंद्र स्थान में बृहस्पति चल रहे हैं। गोचर में शास्त्र कहता है कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। जब केंद्र में बृहस्पति हो तो उनका कोई कुछ ग्रह बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि आपके अष्टम स्थान में अभी शनि चल रहा है, शनि की ढैया भी है। जेल यात्रा के योग, झूठे आरोप, झगड़े, चोट लगना, अशांति, तनाव, घरेलू विवाद बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सुरक्षित रखने वाला ग्रह चल रहा है बृहस्पति। और अगले साल ये आपको बहुत अपार धन क्या क्या देगा, सोना, चांदी, पद, प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। जो शत्रु आपसे बात नहीं कर रहे थे वो आपके पास आकर के आपकी खुशामद करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज उनके आएंगे, हालचाल पूछेंगे आपका। तो समय है, समय बदलते देर नहीं लगती। आपका अच्छा समय, अच्छे दिन आ रहे हैं। आप विश्वास करके अपने ऊपर आत्मबल बढ़ाएं अपना और आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आपके 12वें स्थान पर मंगल चल रहा है। मंगल खर्च करा रहा है, अननेसेसरी, अनायास यात्रा, परेशानी, भागदौड़, बिना बात का गुस्सा। और कुछ विभाग जिसमें आप जाएंगे वहाँ लोग आपसे रिश्वत मांग रहे हैं। अगर काम नहीं होगा तो आपको लालच दे करके, उनको पैसे दे करके काम चलाना पड़ेगा। अर्थात आपका जो खर्च है वो बढ़ा चढ़ा है। आपके जो बिल आएंगे मोबाइल के और बिजली के खर्चे घर के, वो बढ़ा करके बिल, पहले की अपेक्षा ज़्यादा बिल आएंगे, या झगड़ा होगा बिल को लेकर के। किसी भी आदमी पर विश्वास ना करें, आपके साथ धोखा, छल, कपट, बेईमानी करने को लोग उतारू हो रहे हैं, उनसे सावधान होकर के बात करें। क्योंकि आप घर से पहले ही माइंड सेट करके जाएं कि मेरे साथ ये आदमी धोखा कर सकता है, किसी का विश्वास नहीं करना। आप बहुत सरल, डबल माइंडेड, कंफ्यूज रहते हैं आप हर समय, तो आपको डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपको पैदा करनी होगी अपने अंदर। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि मिथुन राशि वाले डबल माइंडेड होते हैं, किसी भी डिसीजन को एकदम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। आपके लिए एक सूत्र, एक नियम, एक फार्मूला बता रहा हूँ पूरी लाइफ के लिए। फर्स्ट थॉट, पहला विचार जो आपके मन में आता है उसको इम्प्लीमेंट एकदम करना चाहिए। अगर सोच विचार करके फिर दोबारा दूसरा थॉट आता है, वो डिसीजन आपके लिए हमेशा गलत होगा और वो आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। इसीलिए अपने निर्णय को, डिसीजन को बिल्कुल दुविधा में ना रहते हुए एकदम डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लॉस हो या लाभ हो, नुकसान हो, कोई इस बात की चिंता सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कीजिए और आपके लिए बहुत अच्छा अवसर अब आने वाला है इस साल भी, और अप्रैल के बाद तो धन लाभ निरंतर होता रहेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ सुंदरकांड अगर करेंगे, क्योंकि आपके छठे स्थान रोग, ऋण और शत्रु, आपका अगर लोन लिया हुआ है तो लोन समाप्त हो जाएगा, ऋण खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। शत्रु जो है वो आपके दबे रहेंगे, और रोग जो आपको उत्पन्न हो रहे थे कंफ्यूजन के कारण, या आपको अशांति हो रही थी कि ये रोग उत्पन्न ना हो जाए, आशंका बनी हुई थी, वो भी सब समाप्त होने वाला है। आप जो जो उपाय मैंने बताया है, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल गाय को खिलाएं भिगो करके। देखिए आपका काम बहुत जल्दी होगा, आपको सफलताएं मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
धन्यवाद, नमस्कार।